नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल पर पहली स्प्रे कब करें और कौन सी दवा का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहें, पौधे मोटे रहें, पत्तियां चौड़ी रहें और पौधों की जड़ों में आलू ज़्यादा बने जिससे आगे जाकर आलू से हमें अधिक पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, जब हम आलू की फसल में पहली स्प्रे करते हैं तो उस समय हमारी आलू की फसल में बहुत सारे कीटों का अटैक हो जाता है। जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बंधने लगती हैं, गुंझाने लगती हैं और पत्तियां मुड़कर चलने लगती हैं जिससे आलू की फसल में अखेती झुलसा आ जाता है, पछेती झुलसा आ जाता है और बहुत सारे कीट मच्छर वगैरह लग जाते हैं। जब किसान भाई हमारी आलू की फसल में ये बीमारियां लग जाती हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे पीले पड़ जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार बहुत कम रह जाती है। यदि हम अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे समय से नहीं करते हैं तो हम अपनी फसल में बहुत घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जब हम अपनी आलू की फसल में पहली स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे हमारी बहुत ज़्यादा काम करती है। इस स्प्रे के अंदर हम सारी बीमारियां कवर कर लेते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए जो टॉनिक वगैरह होते हैं या एनपीके वगैरह होते हैं उन्हें हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हमारी आलू की फसल एकदम खुलकर चलती है, मस्त होकर चलती है और ज़बरदस्त होकर चलती है। किसान भाइयों, तो इसके बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी दवा लगानी चाहिए, एनपीके और न्यूट्रिएंट्स कितना लेना चाहिए, स्प्रे करते समय पानी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और स्प्रे किस समय करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो जब किसान भाई आपके आलू की फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाए तो उस समय आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली स्प्रे हमारी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहें, उनके अंदर कोई बीमारी ना लगे और पौधों में आलू की संख्या ज़्यादा बने जिससे आगे जाकर हम उसकी पैदावार मिल सके। तो पहली स्प्रे में किसान भाइयों आपको जो दवाइयाँ लगानी है, जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना एनपीके 1919। दूसरा किसान भाइयों, इसमें आपको एक लेना कीटनाशक ताकि हमारे आलू की फसल में जो मच्छर वगैरह हैं, जो कीट वगैरह हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएं। तो आपको लेनी है इमीडा क्लोप्राइड 17.8% वाली। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई, इसमें आपको एक लेना फंगीसाइड किसान भाई आपको लेना M45। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना किसान भाइयों। अब इन सभी दवाइयों को लेकर किसान भाइयों आपको जो इनका घोल तैयार करना है, घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपने एनपीके 1919 लिया है इसका घोल आप अलग बाल्टी में बनाएं, जो आपकी कीटनाशक है और M45 है इन दोनों का घोल आप एक बाल्टी में बना लें, अर्थात इनका घोल 2 बाल्टियों में बनाएं और अलग अलग बनाएं। एक में आप एनपीके 1919 घोल लें और दूसरी बाल्टी में आपको M45 प्लस कीटनाशक एक जगह घोलना किसान भाइयों, और दोनों को स्प्रे करते समय टंकी में अलग अलग डालना किसान भाइयों। उसके बाद में आपको टंकी में पानी भर देना है और अपनी फसल में स्प्रे कर देना किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखें, आपके खेत में जब आप स्प्रे करें तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यदि नमी नहीं है तो आप पहले सिंचाई कर लें उसके बाद स्प्रे करें किसान भाइयों, और मौसम साफ होना चाहिए। और जब भी किसान भाई आप स्प्रे करें वो 10 बजे के बाद करें, अर्थात आपके खेत में ओस नहीं होनी चाहिए, ओस में इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें किसान भाइयों, क्योंकि इसमें हमने एक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है जो एनपीके 1919 है। यदि हम सुबह के समय में उसका स्प्रे करेंगे तो हमारी पत्तियाँ झुलस सकती हैं या हमारी पत्तियाँ जल सकती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। किसान भाई, यदि आप इस प्रकार से अपने आलू की फसल में स्प्रे करते हैं, इन दवाइयों को लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी आलू की फसल में ना तो कोई रोग आएगा, ना ही कोई फंगस आएगी, ना ही कोई फफूंदी आएगी, ना ही कोई झुलसा आएगा और ना ही कीट वगैरह लगेंगे किसान भाइयों, और आपको अपने आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।